हम अध्याय 14 में सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। इसके तहत हमने बहुत सारे सवालों को समझा और प्रैक्टिस की। आगे जो आलेख है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको आलेख का एक जो है डेमो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आज उसी सवालों को हल करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आंकड़ों को चित्र द्वारा निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सांख्यिकी आंकड़ों को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का निरूपण किया गया है। इसमें पहला आपको दंड आलेख, उदाहरण समझा चुके थे। दूसरा आता है आयतचित्र, तीसरा है बारंबारता बंध। दंड आलेख में आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण किया जाता है। इसमें एक्स अक्ष पर चर को व्यक्त करने वाले समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। मद और खर्च बनाने की विधि, एक्स अक्ष पर मदों के नाम प्रदर्शित कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये कहलाती है एक्स अक्ष, यहाँ पे आएंगे मदों के नाम। फिर वाई अक्ष पर चर के मानों को मदों का प्रतिशत व्यय, यहाँ क्या आ जाएगा प्रतिशत। ये क्या लाती है वाई अक्ष। आप ड्रॉप कॉपी जब लेंगे तो ऐसे ही आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो मापक स्केल में अंकित कीजिए, आप स्केल उठाएंगे, स्केल से संख्याओं को लिखेंगे, ठीक। थर्ड है एक्स अक्ष पर प्रत्येक मद के लिए चौड़ाई एक समान रहेगी। देखिए अब चौड़ाई का मतलब है पहला जो हमने पॉइंट लिया है उसके पहले यहाँ, ठीक है। तो एक जैसे आप चौड़ाई लेंगे, आयचित्र का निरूपण करते समय दो क्रमागत आयतों के बीच रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, खाली स्थान नहीं छोड़ा जाता है, यानी कि जब आयत ग्राफ बनाएंगे, आयत जिस प्रकार रहेंगे उसको अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक आयत प्लस सेकेंड आयत कंटिन्यू रहेगा, थर्ड आयत, इस प्रकार से ये आयत का निरूपण किया जाएगा। एक समान चौड़ाई वाले आयचित्र अर्थात बारंबारता मंडन वर्गीय एवं सतत हो और वर्ग अंतराल समान है। वर्ग अंतराल का मतलब होता है जैसे 0 से 5 यदि लिया है तो अगला आ जाएगा 5 से 10, तो दोनों जो है वर्ग अंतर में 5 का डिफरेंस रहेगा। परिवर्तित चौड़ाई वाले आयचित अर्थात जब बारंबारता मंडन वर्गीय एवं सतत हो परंतु वर्ग अंतराल असमान, असमान का मतलब है कि वर्ग अंतराल 0 से लेकर 10 तक हो सकता है, 15 से लेकर 20 तक हो सकता है, इस प्रकार ये असमान है। एक अक्ष पर वर्ग अंतराल को उचित पैमाना लेकर अंकित करते हैं, पैमाने का मतलब होता है स्केल द्वारा। वाई अक्ष पर बारंबारता को उचित पैमाना लेकर अंकित करते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का आयचित्र बनाएंगे, ठीक। अब आयचित्र बनाना है, वर्ग अंतराल दिया है 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15 और 15 से लेकर 20, ठीक है। ये वर्गांतर हो गया विद्यार्थियों की संख्या, जो उम्र है 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है वो 72 बच्चों की है, ठीक। इसी प्रकार 5 से 10 की उम्र 103 है, 10 से 15 की उम्र 50 है, 15 से 20 की उम्र कितनी है 25 है, ठीक। यहाँ बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं सतत है और वर्ग अंतराल भी समान। अब देखिए, तो वही वाला सवाल है कि 72 बच्चे हैं, ठीक है। 5 वर्ष से 10 ईयर के बच्चों की जो संख्या है वो 103 है, 10 से 15 साल के बच्चों की संख्या 15 से 20
वर्ष के जो बच्चे वो बच्चे से हैं। अब यहाँ आपको बताया कि आयत चित्र में कंटिन्यू बनाना है, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष इस तरफ, एक्स अक्ष में क्या ले लेंगे, तो बारह मंत्र, ठीक है। तो पहला कॉलम था उसके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए, देखिए जीरो से पांच, ठीक है। तो जीरो से लेके पांच तक एक समान चौड़ाई, पांच से दस, दस से पंद्रह, पंद्रह से बीस, ठीक है। अब विद्यार्थियों की संख्या ये वाई अक्ष पे दर्शाई गई है, ठीक, संख्या, ठीक। तो संख्या जो है वो इस प्रकार ली गई है, स्केल से आप नापेंगे तो जीरो से पच्चीस लिखेंगे, पचास, पचहत्तर, सौ और एक सौ पच्चीस, ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे। क्योंकि यहाँ न्यूनतम जो संख्या है वो है, देखिए पच्चीस है, ठीक है। इसी इसी हमने क्या लिया है, जो संख्या लिया पच्चीस से शुरू की है और अंतिम संख्या है एक सौ तीन, पहले ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, ओके। तो अपर लिमिट कितनी है, एक सौ तीन, तो एक सौ पच्चीस है जो ले सकते हैं। आगे अब पहला जो संख्या है जीरो से पांच के लिए बहत्तर हमको सर्च करना है, जीरो से पांच के लिए बहत्तर जो है वो पचास और पचहत्तर के बीच में आएगा, वो ये है, ये क्या है, बहत्तर, ठीक है। ये है सेवेंटी टू, ठीक। इसी प्रकार एक सौ तीन देखना है तो सौ के ऊपर आ जाएगा एक सौ तीन, ठीक, ये पॉइंट। फिर पचास, दस और पंद्रह के बीच की दूरी पचास है तो पचास जो है वो एक्यूरेट है क्योंकि पचास है मेंशन, ठीक है। अब पंद्रह से बीस के लिए क्या है, पच्चीस है, पच्चीस मेंशन है क्योंकि पच्चीस से शुरू किया है, ठीक है। इस प्रकार ये कहलाएगा आयत क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए ये कंटिन्यू लग के बना है, संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े पर्सन में प्राप्त किए। तो पहला है इसमें जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8%, तांत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4%, क्षति 12.4%, हृदय पायिका अवस्था 43%, प्रसव अवस्था 41%, अन्य कारण 22.0%। फर्स्ट क्वेश्चन का है ऊपर दी गई सूचनाओं का आलेखित रूप में निरूपण करना है। सेकंड क्वेश्चन है कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य मृत्यु का बड़ा कारण है। अपने अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाओ, लगाने का प्रयास की जिनके ऊपर सेकंड मुख्य भूमिका रही है, ठीक। अब आप देखिए कि दी गई सूचना अवस्था आलेखित निरूपण किस प्रकार होगा। ये है एक्स अक्ष जो है महिलाओं में बीमारी और मृत्यु, इनके आंकड़े जो है वो इस एक्स अक्ष में प्रकट होंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष में आएगा महिला मृत्यु दर परसेंट, ठीक है। ये देखिए आप, पहला आता है जनन स्वस्थ अवस्था, इसका था 31.8%। अब स्केल से आप इसको आपको जीरो से लेके आप 2.0, 4.0, 6.0, 8.0 इस तरीके से आपको दो दो के जो है अंतराल पे आपको ये 32 तक बनाना है क्योंकि अंतिम जो है आंकड़ा वो है 32, ठीक है। तो ये है, अब इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, ये देख लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट है इसमें 4.1% और अपर लिमिट है 31.8, ठीक है स्टूडेंट। इसका ध्यान रखते हुए इसको हम जो है स्केल द्वारा इन चिन्हों को अंकित करेंगे, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट किया है अपन ने और लास्ट जो गया है 30, ठीक है। तो इसमें सारे 4 और 31.8 इंक्लूड हो गए। अब देखते हैं पहला जो है 31.8 ये रहा, सेकंड है 25.4, ये है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था।
चलिए इसके बाद क्षति, क्षति के लिए मैं 12.4, तो 12.4 12 का चौथा भाग आ जाएगा 12.3। ठीक है, इसी प्रकार 4.34 के बाद जो पॉइंट जो है उनको काउंट कर लेंगे, 4.1 4 के 4.1 काउंटिंग 22.0 ये एक्यूरेट, ये हमको यहाँ से स्केल से मिल जाएगा। ठीक, तो ये अलग अलग इस प्रकार जो है ये बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या है डिफरेंसेस, यहाँ यहाँ ये डिफरेंस, ठीक है ना, ये कहलाता है दंडनीय। हाँ, अब बनाने की विधि आपने पहले ही मैं बता चुकी हूँ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है और एक्स अक्ष पर उचित रिक्त स्थान में समान चौड़ाई रखते हुए महिला में बीमार मृत्यु के कारण प्रदर्शित करना। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट क्लियर। दूसरा, वाई अक्ष पर बीमारी की प्रतिशत, ठीक है, ये मेंशन करना है। ओके, फिर प्रत्येक कारण के साथ प्रतिशत को एक ऐसे आय द्वारा प्रदर्शित की जिसकी ऊंचाई बीमारी की प्रतिशत और समान चौड़ाई बीमारी को व्यक्त करें। आयतों के ऊपरी चौड़ाई पर उनके द्वारा व्यक्त बीमारी के प्रतिशत लिख दीजिए। जनन स्वास्थ्य अवस्था का प्रतिशत 31 है, सर्वाधिक है। ठीक है, ये क्या है, ये इसकी अपर लिमिट है और ये पूरे विश्व की महिलाओं की खराब स्वास्थ्य मृत्यु का बड़ा कारण है। ठीक, अब ए का आंसर है पुनरुत्पादी स्वास्थ्य अवस्था होती है, अब बी होती है अपरिपक्व आयु में प्रजनन। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्र में प्रति हजार लड़कों और लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ऊपर दी गई सूचना को दंड आलेख द्वारा रूपित कीजिए। तो दंड आलेख के लिए सर्वप्रथम जो आलेख बनाने की विधि है आपको फिर से बता रही हूँ कि पहले आप खींचेंगे एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में आपका पहला कॉलम आ जाएगा ये क्षेत्र आएगा, फिर क्षेत्र के लिए जितने भी क्षेत्र है सारे आएंगे। सेकेंडली आप खींचेंगे वाई अक्ष, ठीक है, इसमें आएगा जो प्रति हजार लड़कों और लड़कियों की संख्या आंकड़े आएंगे, आंकड़ों का जो भी है संख्या। अब इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये भी तय कर लेते हैं। लोअर लिमिट सबसे संख्या जो है कौन सी कम है, सबसे कम संख्या आ जाएगी 910 और अपर लिमिट यह आ जाएगी 970। ठीक, इसी के बीच ये जो है आंकड़ा और ग्राफ तय होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो उसका पहला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर समान अक्ष की चौड़ाई और समाज के विभिन्न क्षेत्र प्रदर्शित कीजिए और वाई अक्ष पर प्रति हजार लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाएं। देखिए आंसर अनुसूचित जनजाति के लिए 940, ये 940 यहाँ आ गया है, 970, 920, पिछड़ा जिला में 950 है, ये स्केल द्वारा फिर से बनाना है 0 और 900 से शुरू करेंगे 980 तक। ठीक, ये हो गया 920, ये है 930 और 910, ये हमने इस स्केल की सहायता से यहाँ से हमने इसको तय लिख दिया। ठीक है, तो ये जो है आय जो है उचित, इसमें आप कलर्स भी कर सकते हैं और अच्छा जो है रंग कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग चौड़ाई के समान चौड़ाई के जो है आय चित्र तैयार है। जाति में लड़कियों की संख्या अधिक है, तो गैर पिछड़े जिलों के सापेक्ष पिछड़े जिलों में लड़कियों की संख्या अधिक है, शहरी क्षेत्र के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों की संख्या अधिक है। अब प्रश्न नंबर 3 आईएमपी प्रश्न, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दिए गए। राजनीतिक पार्टी कॉलम में ए से लेकर बी सी डी और ई और एफ जीती गई सीटें, ए जो है उससे 75 सीटें जीती हैं, बी है 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37। क्वेश्चन एक में मतदान के परिणामों को निरूपित करना एक दंड आलेख खींचना है। ठीक, ये क्वेश्चन सेकंड, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, मतलब मैक्सिमम सीटों की संख्या ये एक्स अक्ष
अक्षर और आयत खींचिए, एक दूसरे के बीच समान उचित रीति स्थान छोड़कर समान ऊंचाई के आधार द्वारा एक्स अक्ष पर राजनीतिक पार्टी को प्रदर्शित कीजिए। अभी आ गई रात, इसमें आएगी के आंकड़े, दूसरा यह जाएगी सीटों की संख्या। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ जीरो से लेकर जो मैं मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से जीरो से दस, बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, इस प्रकार सौ जो है हमने स्केल द्वारा इसको संख्याओं को लिखा, ठीक है। अब राजनीतिक पार्टी ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ठीक है। अब ए के लिए जो है संख्या क्या है, पचहत्तर सीटें, ये हो गया ए का ग्राफ। बी 55 है, ये हो गया बी। सी 37 है, तो 33 और 40 के बीच 37 संख्या आएगी। फिर 30 के पहले एक अंक पहले 29 होगा। इसी प्रकार 10 जो है वो स्केल पे अंकित है, ठीक है। और एफ वो भी 37 है, 40 के पहले संख्या आएगी, ठीक। तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का ये दंडारे समय आपके पास आना।